हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि ट्विन प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी, जो कि मेरी 23rd वीक की प्रेगनेंसी थी, जो मैंने कंसीव किया बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों के साथ। तो मेरी क्या रिपोर्ट्स थी, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कपल हैं जिन्होंने ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव की है, उनको ट्विंस होने वाले हैं, तो हज़ारों तरीके के क्वेश्चन उनके मन में आ रहे थे कि ट्विंस कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, MCDA का क्या मतलब होता है, DCDA का क्या मतलब होता है। तो मैंने सोचा कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगी, और मैंने अपने डायरी पे वो डायग्राम बनाया है कंप्लीट, एकदम इजी बता रही हूँ आपको, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे यही बोलूँगी कि वीडियो देखने से पहले, देखिए मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इधर फॉलो करो उधर फॉलो करो मैं नहीं कर सकती हूँ। आप चैनल पर जान जाते हैं ना कि क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, जो जो करना है आप बस कर दीजिएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, जो भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए। मैं इंस्टाग्राम की बात करना बिल्कुल भूल जाती हूँ, तो इंस्टाग्राम हैंडल मैंने दिया हुआ है बट मुझे याद नहीं रहता कि मुझे ये बोलना है। तो प्लीज़ आप लोग समझदार लोग हैं, कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। और ये वीडियो देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, इसकी गारंटी देती हूँ। और मन में किसी तरह की भी डाउट होगी तो प्लीज़ लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपकी डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं बैठी हूँ। जो भी डाउट्स है और मेरी डाउट्स क्लियर करने के लिए आप बैठे हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी, आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर मुझसे पूछेगा। तो अभी मैं वो वीडियो दिखाती हूँ आपको, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, और डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ऐसे तो 7 डिफरेंट टाइप्स होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी के, उसके बारे में मैं अब धीरे धीरे आपको डिस्कस करूँगी, बट बेसिकली हम लोग इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है फ्रेटर्नल ट्विन्स, दूसरे होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। तो उनके बीच के क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में डिस्कस कर दूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ओवल्यूशन के बाद एक एक जो होता है मैच्योर होता है, रिलीज होता है और वो फर्टिलाइज हो जाता है। बट किन्हीं कारणों से अगर महिलाओं में 2 एक साइमल्टेनियसली अगर रिलीज हो जाए और उनका फर्टिलाइजेशन भी अलग अलग स्पर्म से हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एग 1 और एग 2, और वो स्पर्म 1 और स्पर्म 2 से अगर वो साइमल्टेनियसली फर्टिलाइज हो जाए और दोनों के अंदर अलग अलग ही बेबीज बनना शुरू हो जाए, जैसे मान लीजिए कि एग 1 जो है वो एक अलग बेबी फॉर्म हो रहा है, एग 2 है वो एक अलग बेबी फॉर्म हो रहा है, तो ये होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स। इसमें जो बेबी होते हैं, अलग अलग तरह के बेबी होते हैं, उनके नेचर डिफरेंट होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं, और ये बिल्कुल ही कंप्लीट अलग अलग बेबी हो सकते हैं। और हो सकता है तो इनके बेबीज़ के जो सेक्सेस है वो सेम हो, और कभी कभी ऐसा भी हो कि डिफरेंट हो, तो वो मैटर अलग अलग करता है कि क्या होगा। और वहीं अगर आइडेंटिकल ट्विन्स की बात की जाए, तो जैसे ओवल्यूशन के बाद जो एग एक रिलीज़ होता है, जैसे एक सिंगल एग अगर रिलीज़ होता है वो मैच्योर हो जाता है, और अगर साइमल्टेनियसली अगर 2 स्पर्म के साथ वो फर्टिलाइज हो जाता है, तब क्या होता है कि वो 2 भागों में टूट जाता है। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि वो 2 भागों में टूट जाता है और वो बनने लगता है, अलग अलग बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सेम होते हैं, और यहाँ पर देख लीजिए इनमें चांसेस ये बनते हैं कि उनके जो सेक्सेस हैं वो भी सेम हो, बहुत हद तक सेम ही हो सकते हैं, या तो जैसे कि मान लीजिए कि लड़की लड़की हो या लड़का लड़का हो, तो ये ज़्यादा चांसेस आइडेंटिकल ट्विन्स में ये बनते हैं कि दोनों बच्चे सेम हो, और बहुत उनको मिरर इमेज भी कह सकते हैं, बहुत सारे बच्चे तो मिरर इमेज के भी होते हैं जैसा आपने देखा है। लेकिन अधिकतर केसेस में जो फ्रेटर्नल ट्विन्स की मैं बात कर रही हूँ, उनके नेचर डिफरेंट होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होंगे, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेम सेक्स के हों, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो होप आपको ये कंप्लीट वीडियो इस समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स और क्या होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। अगर अच्छा लगा वीडियो, मेरे एफर्ट्स आपके काम आ रहे हैं, अगर कुछ भी मैं आपके लाइफ में कुछ भी अगर वैल्यू ऐड कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी मन में आपके क्वेश्चंस होंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं धीरे धीरे सबको ट्राई करूँगी कि सबके आंसर ज़रूर दूँ, वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विन्स माई वर्ल्ड।